तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विवेक अम्बेडकर नगर ब्लॉग्स में। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर डीजे कॉम्पिटिशन से संबंधित वीडियो अपलोड होती हैं और कभी कभी कॉम्पिटिशन सॉन्ग भी अपलोड कर देता हूँ या फिर कॉम्पिटिशन वीडियो ही अपलोड होती है। अभी तक जितने भी कॉम्पिटिशन हुए हम लोग के साइड में तो कॉम्पिटिशन की वीडियो मैंने अपलोड की है। और अगर आप मेरी तरह डीजे लवर हैं तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल देखते होंगे या फिर डीजे ब्लॉग्स वगैरह देखते होंगे। आप लोग की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हरिद्वार में पिछली बार अभी सावन में कांवड़ यात्रा हुई थी जहाँ पर डीजे अमर मेरठ और कसाना धड़कन सब लोग का सेटअप लगा हुआ था और मुरादाबाद में भी सबका सेटअप लगा हुआ था। सब डीजे वाले भाइयों का सेटअप बहुत अच्छा था, बाकी कुछ माहौल ख़राब चल रहा था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। तो फिर जैसे कि सच बताऊं तो मैंने आज दोपहर में एक वीडियो शूट करी थी इन सब टॉपिक पे लेके कि मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ कि वहाँ का मैटर किस तरीके से इतना ज़्यादा व्यवहार ख़राब चल रहा है, आपस में जो आपसी मैटर चल रहे हैं उन लोग के, डीजे से अलग हटके एक दूसरे को गाली देना और मतलब पर्सनल बातचीत ख़राब करना, वो सब ख़राब हो चुका है। तो मैंने दोपहर में वो वीडियो शूट की थी लेकिन जस्ट अभी मेरे पास मोहित भाई का कॉल आया, मोहित तालियान भाई का, तो उन्होंने थंबनेल मेरे से बनवाया। फिर मेरे को पता लगा कि उन लोग का जो मतलब कि आपस में बैठ के सब कुछ मामला सॉल्व हो चुका है और बहुत अच्छी बात है। सभी डीजे वाले भाइयों को बहुत बहुत बधाई, अमर भाई, चिंटू भाई को और अनुज भाई को और जो भी वहाँ पर डीजे वाले भाई लोग थे सब लोग को बहुत बहुत बधाई। सब लोग ऐसे ही आपस में बस प्यार बना के रखो, बात व्यवहार बना के रखो और मेरी वीडियो चाहे जहाँ का भी डीजे वाला देख रहा हो, ये वीडियो कहीं तक भी जाए, सब लोग आपस में दोस्तों बस ऐसे ही भाईचारा बना के रखो। मैंने ये वीडियो ऑफिशियल सिर्फ मेरठ और गाजियाबाद के डीजे वालों के लिए बनाई थी क्योंकि इस साइड का जो थोड़ा सा डीजे का माहौल था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, आपसी भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया था और सब लोग को पता है कि इस बार का माहौल कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। आपस में भाईचारा बना दिया गया है, सब लोग एक दूसरे से मिले हैं, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि मेरठ साइड से जितने भी डीजे वाले हैं सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और वहाँ के सभी डीजे वाले बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि कसाना भाई का सेटअप है, बहुत पुराना सेटअप है और बहुत ही अच्छा उनका सेटअप है। 2017-18 से उनका नाम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। पहले हम लोग के यहाँ पर जब कंपटीशन होता था हम लोग आपसे सीख के अपने साइड ये बोला करते थे कि कंपटीशन करना हो तो मेरठ वाले तरीके से करो क्योंकि वहाँ आप लोग के साइड का कंपटीशन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, एक एक दो दो गाना बजाया और गाड़ी आगे बढ़ा दिया जाता था पूरे भाईचारा के साथ में, एकदम भाईचारा इतना अच्छा था, माहौल इतना अच्छा होता था कि कोई भी कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा दिक्कत महसूस हो गई, तो मैंने वो वीडियो दोपहर में बनाई थी लेकिन डिलीट करके मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही भाईचारा आप लोग बना के रखें। और ख़ास तौर पे मेरठ के जितने भी डीजे वाले भाई लोग हैं, आप लोग का नाम दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर दूर तक चलता है। यही नहीं कि सिर्फ मेरठ, ऑल ओवर यूपी, यूपी से भी बाहर आप लोग का डीजे सेटअप देखा जाता है, आप लोग के बात व्यवहार को देखा जाता है। और सच कहूँ तो आप ही लोग से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि जो मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या से जो कि गाजियाबाद से 700 किलोमीटर दूर है अयोध्या, और वहाँ पर आप लोग का बहुत अच्छा खासा ट्रेंड है, वो लोग भी आप लोग के फ़ैन हैं, डीजे वाले भी आप लोग की तारीफ़ करते हैं कि वहाँ का कॉम्पिटिशन करने का तरीका अच्छा है, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। लेकिन जिस हिसाब से इस बार माहौल ख़राब हुआ था कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब गलत बातें हैं। और बाकी जिस तरीके से भाईचारा आप लोग पहले बना के चलते थे उसी तरीके से भाईचारा बना के चलें, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज ये देख के कि अनुज भाई और अमर भाई, चिंटू भाई दोनों आपस में फिर से साथ में मिले और साथ में सब कुछ अच्छे से सब कुछ हो गया है। मैं ये वीडियो मैं दोबारा बोल देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो दोनों भाई तक जाए या किसी भी यूट्यूबर के पास तक जाए, अगर वहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है, तो प्लीज़ आप लोग ने जो सामने मतलब कि रिस्पांस दिया है उस हिसाब से नहीं कि मतलब कि सामने मिल गए, मिल के फिर एक दूसरे से मतलब कि हालचाल हो गया है, अच्छे से रिस्पांस आ गया, इसी तरीके से आप लोग को आगे भी काम करना है क्योंकि आगे भी माहौल ख़राब ना हो। और आप लोग बड़े हैं इस मार्केट में, बहुत आदरणीय हैं हर एक डीजे वालों के, आप लोग को फॉलो करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे डीजे वाले हैं, चाहे कसाना हो, चाहे धड़कन हो, चाहे अमर हो, तीनों लोग मार्केट में, चाहे मोनू हो, बहुत अच्छे ये सब डीजे हैं, इन सब का नाम मार्केट में ट्रेंड करता है, डीजे लाइन में ट्रेंड करता है। तो आप लोग अगर इस हिसाब से बात व्यवहार ख़राब करेंगे तो
सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली छोटे छोटे डीजे वाले, मतलब कि जो दूसरे डीजे वाले हैं, वो लोग का माहौल उस हिसाब से वो लोग देखने लगते हैं और वो लोग भी इसी तरीके से बात व्यवहार बनाने लगते हैं। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए। जो मैंने दोपहर में वीडियो शूट करी थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया और इस वीडियो को इस वजह से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप लोग का बात व्यवहार बन गया है। और मैं सभी लोग को ये कह देना चाहता हूँ कि जितने भी डीजे वाले भाई हैं, चाहे मेरठ का हो, चाहे अम्बेडकर नगर, टांडा, चाहे कहीं का भी हो, सब लोग ऐसे ही बस आपस में बात व्यवहार बना के रखें, सब लोग आपस में एक दूसरे से मिल के रहें, क्योंकि किसी की भी ज़रूरत कहीं पर भी पड़ सकती है, तो सब कुछ चलता है। बाकी रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन सिर्फ एक मनोरंजन के लिए कीजिए, वो सिर्फ आप लोग जानते हैं, पब्लिक के मनोरंजन के लिए कंपटीशन होता है। आप लोग डीजे वाले हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, मैं भी एक ऑपरेटर हूँ और रिमिक्सर भी हूँ, तो हम लोग भी कहीं कंपटीशन करने के लिए जाते हैं, तो इस हिसाब से करते हैं कि भाईचारा बना रहे और सिर्फ पब्लिक के मनोरंजन के लिए हो, सिर्फ पब्लिक के मनोरंजन के लिए कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन करने के बाद, गाड़ी से उतरने के बाद, वही एकदम बात व्यवहार, वही भाईचारा बना रहे। गाड़ी पे जब तक हो एक दूसरे से कमेंटबाजी चलती है, लेकिन सिर्फ एक तरीके से हद तक, वो सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि कंपटीशन है, लेकिन उसके नीचे, गाड़ी से नीचे उतर जाती, बात व्यवहार सब लोग बना के रखें, चाहे जो डीजे वाला हो, चाहे मेरठ का डीजे वाला हो, चाहे टांडा, अम्बेडकर नगर, ये साइड पार करने के बाद, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, चाहे बम्बई, कोई भी हो, सब लोग बात व्यवहार बना के रखें। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर लास्ट तक मेरी वीडियो को देखें आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर डीजे से संबंधित ब्लॉग डालता हूँ और अभी ये मेरा चैनल अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो मैं अभी इस चैनल पर शॉप टू शॉप जाके आप लोग को कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी रिव्यू कराऊंगा, और अगर कहीं पर अच्छे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर जाके मैं डीजे का रिस्पॉन्स लेके भी आप लोग को दिखाऊंगा कि किस हिसाब से क्या है। और बाकी आप लोग को तो सबको पता है कि आपके क्षेत्र में कौन बेस्ट है, बाकी आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे वीडियो में, और कमेंट करने के बाद वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी आप लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, भाईचारा बना के रखें। बस आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।